अगर तुम्हारा शोक पूरा हो गया हो तो हुजरे से मैडम बाहर आ जाए। पता है अम्मी की सारी रात कितनी तबीयत खराब रही है, तुम्हें जरा भी एहसास है उनका? मैं तुमसे बात कर रही हूं, जो होना था वो हो गया, अब अपना शोक खत्म करो, चलो। नया भाभी, खबरदार अगर मुंह से एक लफ्ज भी निकाला तो, पता है ना अपने भाई का किस तरह वो इश्क मोहब्बत में मुब्तला था अपनी बीवी के, खड़े खड़े तलाक देकर निकाला उसने यहां से। अगर तेरी बेगैरती की भिनक भी लग गई ना उसे, अंजाम पता है ना फिर? भाभी ने कुछ नहीं किया, वो बिल्कुल बेगुनाह है, बिल्कुल बेगुनाह। अब अगर बकवास की ना तो थप्पड़ लगाऊंगी तेरे मुंह पे मैं। भाभी अब समझ नहीं रही। भाभी क्या भाभी, हाँ खेल खेल रहे थे वो दोनों तेरे साथ, खेल गए? नहीं नहीं भाभी ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। अच्छा तो फिर यकीनन उस मुनीब के साथ तेरा चक्कर चल रहा होगा। अगर तुझ में इतना हौसला है ना ये बात करने का, तो आ उठ इबाद के सामने ये बात करा कर, फिर उसके बाद जो भी होगा उसकी जिम्मेदार तू होगी। देख मेरी भोली बहन, तुझे नायाब की चालों का नहीं पता, सब समझती हूं मैं उसकी चालों को। बजाहिर तो वो तेरे दिल में इश्क की आग भड़का रही थी, लेकिन बस भाभी ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, मैं ये बात जानती हूं। सिधरा तुझे अभी भी समझ नहीं आ रही, वो दोनों तेरा इस्तेमाल कर रहे थे। अगर वो तेरे से वाकई प्यार करता था तो वहां जमकर खड़ा रहता ना, भाग क्यों गया? वो तेरे साथ कभी भी सच्चा नहीं था, अगर सच्चा होता तो वहां खड़ा रहता वो, लेकिन नहीं, भाग गया। सिथरा मेरी बहन, बच्चे जो होना था वो हो गया, चल मेरी प्यारी बहन उठ जा, अब भाई को और अम्मी को तूने ही संभालना है, किसी का कुछ नहीं चाहेगा, घर हमारा खराब हो जाएगा, चलो उठो उठो, मेरी बात को समझो, आओ किचन में, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, आओ उनके लिए नाश्ता बनाते हैं, चलो उठो, चलो शाबाश, उठ जाओ मैं इंतजार कर रही हूँ, आ जाओ किचन में।